बेटा गौरी इधर देखो, कह रहे थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मंदीप। मंदीप भी लड़की यहाँ पे, ठीक है? हाँ मंदीप लड़की है, ओके। आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। गेम खेल रहे हैं ये लोग, छुट्टियाँ हैं, विंटर वैकेशन है। सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, 5 मीटर। 5 मीटर का एक सर्कल बना दिया, ये रहा। ये तीनों लड़कियाँ जो हैं, रेशमा, सलमा और मंदीप, ये बाउंड्री पर खड़े हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा गया किस पे खड़े, बाउंड्री पर। तो ये रही भैया रेशमा, ये है सलमा, ये है मंदीप, ठीक है? ये तीन लोग खड़े भैया। और कहा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा से जो सलमा है ये 6 मीटर की दूरी पे है, और सलमा से जो मंदीप है ये भी ये भी कितना पे है जी, 6 मीटर पे, ठीक है सर? चलो जी, अच्छा। तो फिर हमसे बोला गया है कि व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़ा यार कहने में बड़ा सिंपल लगता है कि क्या ऐसा, इनका डिस्टेंस दिया गया है, रेडियस गिवन है, और बस इनका फाइंड करना है रेशमा से लेके मंदीप तक का डिस्टेंस फाइंड। बट इसके पीछे लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं, बट इसके 2 से 3 मेथड है। मैं आपको सबसे सिंपल वाला मेथड समझाने की कोशिश करूंगा, क्या चमका? अब देखो बड़ा मजा आने वाला है इसमें। देखो हमसे बोला गया आर एम, आर से लेके एम तक का डिस्टेंस फाइंड करो, ऐसा हमसे बोला गया, ठीक है भैया? चलो जी, क्या फाइंड करना है? आर एम का डिस्टेंस हमको करना है जी फाइंड। अच्छा रेडियस कितनी है, 5 मीटर, सही बात है। तो रेडियस अगर मैं कहना चाहूँ कि भैया ये चीज़ कितनी है जी, और ये चीज़ कितनी है जी, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा। एक यहाँ पे जो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने क्या एक चीज़ बहुत डायरेक्ट की है, मैं करूँगा उसको, लेकिन मैं बताऊँगा ऐसा क्यों है। मैंने क्या किया, इस ओ पॉइंट से अगर देखा जाए कायदे में, जो आर एम है ये कॉर्ड होगी सर्कल की, मैंने क्या किया एक सेंटर से मैंने आर एम पे डाला परपेंडिकुलर, किस पे डाला, तो वो भैया जो परपेंडिकुलर गया ना वो एस पॉइंट पे मिला जाके। ऐसा आपको हर जगह मतलब वेबसाइट वगैरह पे आप देखें तो ये सॉल्यूशन होगा, बट जो लॉजिकल बंदे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझना चाहते हैं कि सर हमने जो परपेंडिकुलर डाला मतलब एंगल मैंने 90 का बनाया, सर ये कैसे पता कि वो सलमा से जाके ही मिलेगा, वो सर हो सकता था परपेंडिकुलर यहाँ पर आता, हो सकता सर यहाँ पर आता, सर ये कैसे सर आपको पता है, यही चीज बस आपको समझनी नॉलेज के लिए, मैंने आंसर तो इसका आ ही जाएगा, छोड़ो। अब समझना मैंने, चलो आपसे काम मैं आपसे करता हूँ, ये इसको हटाओ जरा। मैंने क्या किया, इसका नाम देते हैं, मान लो ए नाम दे दिया, क्या नाम देते हैं, ए। मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एम पे, क्या किया आर एम पे, और जिसने इसको ए पॉइंट पे कट किया, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा? होगा ना भैया, थ्योरम है यार ये तो। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं ट्रायंगल देखो आर एस एम, क्या ये आइसोसेलीज ट्रायंगल है? यस और नो? आइसोसेलीज है ना, कि उसकी दो साइड आपस में क्या है जी, और आइसोसेलीज ट्रायंगल में जब हम एक पर जैसे ये रहा, मैं समझाता हूं, ये आइसोसेलीज ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पक्की बात है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप कहोगे सर कैसे, अरे भैया कॉन्ग्रुएंट दिखा दो यार इनको, देखो ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये 90, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से ये डिस्टेंस क्या हो गया बराबर, और ये तो थ्योरम भी है, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था। तो आइसोसेलीज ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ से आपने जो एल्टीट्यूड डाला तो वो आर एम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यस और नो? और वही काम ए पॉइंट कर रहा है, वही काम, तो एक लाइन पे दो तो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, यस और नो? इसने भैया ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए को दो मतलब ए पॉइंट ने आर एम को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, वही काम मैंने एस से किया, तो एक लाइन है भैया, मिड पॉइंट तो एक ही होगा, तो कंफर्म है कि वो भी जाके किससे मिलेगा, ए से ही तो मिलेगा। बस ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है कि भैया आपने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सीधे एस को मिलेगा, बट जो लॉजिकल बंदे जानना चाहते हैं सर कैसे, तो ऐसे, क्लियर है? चलिए जी, अच्छा तो ये लॉजिक था इसके पीछे, अब तो खैर हो ही जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को लेता हूँ मैं x, क्या लेता हूँ इसको डिस्टेंस को x लेता हूँ,
एक्स मीटर, तो ये भी एक्स मीटर होगी। चलिए जी, अच्छा एक ट्रायंगल है, इसमें थोड़ा बहुत बताना है क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत कम है। एक लेंथी मेथड भी है, वो बहुत लेंथी सिंपल वाला। देखो अगर ये एक ट्रायंगल है, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, मान लो ये ए बी सी डी, और एक बंदे ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई, तो एरिया हम इस ट्रायंगल का अगर निकालते किसी भी मेथड से, एक ट्रायंगल है उसका एरिया किसी भी मेथड से आप निकालो, आंसर तो हमेशा इक्वल आएगा। तो मैंने क्या लगाया, एक बच्चे ने लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस लिया उसने बी सी और हाइट लिया उसने ए डी, और एक मैंने लगाया 1/2 बेस, ये हो गया बी ई और बेस हो गया ए सी, ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। क्या होंगे जी, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया कितने भी तरीके से आप निकालो होंगे क्या आपस में, क्या चमका। तो बस वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कि एक ट्रायंगल ये भैया हमारे पास, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से क्या किया ये परपेंडिकुलर। अब एक बात समझना, ओ आर क्या है 5, ओ एस क्या होगी ये भी 5, क्योंकि ये भैया रेडियस है, देखो ना यार ये क्या है जी रेडियस, ये भी 5 मीटर है। अब मैंने ये किया परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे, और ये क्या है कॉर्ड, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो ये 6 है, तो ये भी 3 और ये भी 3, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम क्या दे दो बी। अच्छा जी, अब ये 5 है और ये 3 है, क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो गई। yes, चलो ये इतना भी डायरेक्ट नहीं करूँगा, समझा दूंगा, मुझे लिखने में थोड़ा बकवासगिरी लगती है, समझो कंसेप्ट को। ओ बी एस में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी एस का, 5 का स्क्वायर 25, बी एस कितना 3 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 गया तो 16, ओ बी का स्क्वायर तो ये 4 आ गया, ओ बी कितना आ गया जी, कोई दिक्कत कोई डाउट है बताओ। चलिए ओ बी कितना आ गया जी 4, ये हमको परपेंडिकुलर पता लग गया। चलो अब देखो भैया मजे, अब अगली लाइन में आंसर क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस, तो देखो 1/2 बेस, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है जी 4, तो 12 आ गया। क्या इसी ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल ऑफ ओ आर एस हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी तो परपेंडिकुलर है देखो, यस और नो, तो ये भी तो हो सकता है ना, 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है ए आर, हमको नहीं पता, तो ये जो एरिया है होगा तो 12 के इक्वली, क्यों एक ट्रायंगल के एरिया कितने भी मेथड से आप निकाल लो, तो बस तो ये हो गया 5/2 × AR फाइंड कर लो। चलो यहाँ से तो AR बराबर हो गया 2 का मल्टीप्लाई होगा और 5 से, बट ये तो क्या निकल गया है AR, हमको फाइंड करना था पूरा RM, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इतना ही तो आया निकल के, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो RM जो हमारा हो जाएगा 2 × 24/5, तो 48/5, तो 9.6 मीटर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लिख लो इसको।